ब्लड के बारे में ये देखा तो सुबह इसको वो भी पसंद आया। कुछ नहीं देना, वो मेरी तरफ से गिफ्ट है। मेरा सोल है, सोल लगा है कितना से करना मैं कर दूं। वो मेरी तरफ से करना सिग्नेचर कर दूंगी यार। ये स्केच ये ये फ्री हैंड है सीरीज यहाँ से लेके और आगे तक मधुबनी लगाया ना, मतलब यहाँ का देखो फिश तो यहाँ भी लोग बहुत पॉपुलर है, हर जगह फिश डल में हर जगह ये मतलब कॉमन ये एक आ गया है नॉल लीव्स के एक्सट्रैक्ट्स उससे बनते थे। आपका एग्जाम कौन सा? मेरा नाम अर्चना झा चौधरी है। मैं बेसिकली बिहार की हूँ। 93 से मैं यहाँ आई, कश्मीर आई, और यहाँ पे लोगों का आर्ट की तरफ क्या है, यहाँ का तो आर्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस है, हर जगह हर एक चीज़ में, पेपर मैशी ले लीजिए, कारपेट ले लीजिए, शॉल्स ले लीजिए, हर चीज़ में आर्ट है यहाँ, हर नेचर इतना ज़्यादा है, कश्मीर तो फेमस ही है। तो यहाँ आके मुझे बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला, आर्टिस्टों से, तो उनसे जब मैं बात करती थी तो वो हमारे आर्ट के बारे में पूछते थे कि आपके इलाके में कौन सा पेंटिंग बनती है, क्या बनती है। तो फिर तभी तब से इंटरेक्शन हुआ और उन लोगों का बड़ा मन था कि मैं बिहार की पेंटिंग को कभी यहाँ पे उनके सामने लाऊं, जो मैं बनाती रहती थी, कभी कोई देखता था तो मैं लेके आई और यहाँ के लोग बहुत खुश हुए हैं। फिर जेएन के आके मैंने फिर ये मिनिएचर और बसोली सीखा। बिहार वाला तो मैं पहले से ही करती थी बिना वो अपने आप ही, लेकिन यहाँ पे आके मैंने मिनिएचर और बसोली सीखा और ये दोनों आर्ट में सिमिलैरिटीज है बहुत ज़्यादा कि नेचुरल चीज़ों को लेके हम बनाते हैं, स्टोन कलर्स यूज़ है, जैसे आपने देखा होगा मिनिएचर में सारे इनका कलर ही अलग है, और हमारे मधुबनी वाले में भी फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट और लीव्स के एक्सट्रैक्ट इन सब को यूज़ करके हल्दी से पीला कलर ये सब लेके हम बनाते थे। तो इन दोनों का जब मैंने अभी एग्जीबिशन स्टार्ट किया, एक दिन के लिए था SKICC में, वहाँ भी मुझे एक्सटेंड करना पड़ा, फिर ये यहाँ जब आया है एम्पोरियम में तो यहाँ भी एक दिन के बजाय अब डिमांड हो गई कि आप एटलीस्ट फ्राइडे तक इसको रहने दें, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके देख सकें। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इन इस टाइप की पेंटिंग को दिखाने में, अच्छा इन यहाँ के लोगों को का उत्साह देख के मैं बहुत खुश हूँ, ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इस पेंटिंग को ले। जरूर करूँगी, कुछ नया करके आऊँगी, जैसे इस बार भी आपने देखा होगा पेपर मैशी के ऊपर मैंने मधुबनी भी और मिनिएचर भी किया, तो मैं भी कोशिश करूँगी कुछ नया नया करूँ कि लोगों को हर बार कुछ नया देखने को मिले, और स्पेशली कश्मीर के लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ, इनका प्यार और इनका आर्ट के लिए जो इनका रुझान है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत खुशी हुई है अपने एग्जीबिशन को लेके, टूर लगाना चाहिए। मैं भी उन्हीं आधों की तरह ही थी, मैं भी अपना बस बना बना के रखती थी, लोग कोई आता था तो किसी को पसंद आती थी, फिर जब आर्टिस्टों से मिली ना, यहाँ के सीनियर लोगों से जो पुराने आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने इनकरेज किया, कुछ फ्रेंड्स ने इनकरेज किया, तब मैं लगा पाई। अब मैं यही मैसेज दूंगी यहाँ पे जो यंग आर्टिस्ट हैं वो आगे आए और हम सब मिल के कुछ करें। कभी ऐसा करने के लिए मैं सोच भी रही हूँ नियर फ्यूचर में कि हम सारे आर्टिस्ट मिलके कुछ काम करें, दो चार दिन का कैंप लगाएं और बहुत सारे टाइप के आर्ट सामने आए, लोगों के लिए एक डिफरेंट ही होगा, और आर्ट की तो एक अपनी दुनिया है,
आर्टिस्ट की का एक एक अलग ही उनकी वो होती है, मतलब आपस में उनका मेल जोल, उनकी बातें एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को बिना कहे ही समझ जाता है। तो वो बहुत जज्बाती होते हैं आर्टिस्ट लोग। तो यहाँ के लोगों को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, जिस तरह का रिस्पॉन्स उन्होंने दिया मुझे इतने की उम्मीद नहीं थी।